नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की, जिसके माध्यम से ग्रुप ए लेवल के अखिल भारतीय सेवाओं में और केंद्रीय सेवाओं में भर्तियां होती हैं। आपको बता दें कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण मामलों की अस्थायी संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट दिया है और साथ साथ एक विशेषज्ञ कमेटी के गठन का भी सुझाव दिया है। इसमें ये कहा गया है कि एक विशेष कमेटी का गठन किया जाए जो ये पता लगाए कि आखिर यूपीएससी में जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या लगातार कम क्यों हो रही है। जितने फॉर्म फिलअप किए जाते हैं उससे आधे से कम कैंडिडेट परीक्षा में बैठते हैं, ये पता लगाना है। इसके साथ साथ जो गैर अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनकी संख्या क्या है चयन में, विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि में जो छात्र रहते हैं उनका प्रतिशत क्या है यूपीएससी के परीक्षाओं में चयनित होने का, खासकर सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसमें। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश में ये कहा गया है कि यूपीएससी अपने परीक्षा के समयावधि को कम करे, यानी कि सिविल सेवा जैसे परीक्षा में 15 महीने का समय लग जाता है उसे और कम किया जाए। इससे छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसी सिफारिशें की गई हैं। विशेषज्ञ कमेटी के गठन की बातें की गई हैं, आपको हम विस्तार में बताते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने कहा है कि सिविल सेवा भर्ती की 15 महीने लंबी प्रक्रिया से उम्मीदवारों का समय बर्बाद हो जाता है, इसके साथ ही उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। समिति ने यूपीएससी को सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया की अवधि को कम करने के लिए कहा है। उसने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यह भी कहा है कि यूपीएससी उन कारणों का पता लगाए जिनकी वजह से सिविल सेवा की परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम हो रही है। आपको बता दें कि यूपीएससी हर साल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार सहित 3 चरणों में परीक्षा आयोजित करती है। संसदीय समिति ने कहा है कि यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए अधिसूचना से लेकर अंतिम नतीजे जारी करने के लिए औसतन 15 महीने का समय लेता है। आवेदन करने के बावजूद परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट पर समिति ने कहा है कि 2022-23 में यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए लगभग 32,39,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, जबकि इनमें केवल 16,82,000 ही परीक्षा में शामिल हुए। समिति ने कहा कि उदाहरण के लिए 2022 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 11,35,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन उनमें से केवल 5,73,000 ने ही परीक्षा दी। समिति ने यूपीएससी से गत 5 वर्षों में अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क मद में एकत्रित राशि की जानकारी देने की अनुशंसा की है। समिति ने विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की है जो यह पता लगाएगी कि मौजूदा भर्ती प्रक्रिया से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले शहरी उम्मीदवारों और गैर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले ग्रामीण उम्मीदवारों को समान अवसर मिल रहा है या नहीं। संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भी जांच कराई जाए कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की मौजूदा परिपाटी क्या अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से परे समान अवसर प्रदान कर रही है या नहीं। तो आपको बता दें कि जो विषय वस्तु जिस पर एक बड़ा ही बड़ा द्वंद है, और खासकर जब से सीसेट लागू हुआ है यूपीएससी में, तब से ये प्रश्न उठने लगा है कि शहरी और अंग्रेजी माध्यम वाले छात्रों को काफ़ी सहूलियत होती है यूपीएससी की परीक्षा पास करने में, और एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है उन छात्रों के लिए जो कि गैर इंग्लिश यानी कि हिंदी या दूसरे माध्यम से हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहने वाले हैं। तो एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करके ये पता लगाने को कहा गया है कि समान अवसर मिल पा रहा है या नहीं। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ मुझे जो लग रहा है उसके मुताबिक संसद में पेश रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जांच कराई जाए कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की मौजूदा परिपाटी क्या अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से परे समान अवसर प्रदान कर रही है या नहीं। तो अभी का जो सिलेबस है, परीक्षा लेने की प्रणाली जो है, वो विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं उनके लिए समान अवसर दे रहा है या नहीं। जबकि आपको बता दें कि सी सेट लागू होने के बाद 2014 में और उसके बाद हर एक समय में छात्रों का
विरोध प्रदर्शन यूपीएससी पर को लेकर होते रहा है, जिसमें ये आरोप लगते रहा है कि विभिन्न शैक्षणिक जो पाठ्यक्रम के जो छात्र हैं, परिपाटी के छात्र हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। अंग्रेजी मीडियम वाले को, शहरी छात्रों को, खासकर टेक्निकल डिग्री वाले को यूपीएससी में काफ़ी सहूलियतें मिल रही है। ऐसा सिलेबस, ऐसा उसका पैटर्न बन चुका है जिससे इन परिवेश से आने वाले छात्रों के लिए ज़्यादा सहायक यूपीएससी हो गया है। तो संसद की जो अस्थाई समिति है उसने डीओपीटी को लेकर जो है वो अपनी कुछ सिफारिशें दी है, यूपीएससी को लेकर सिफारिशें दी हैं, और उसमें ये कहा गया है यूपीएससी को कि आप सिविल सेवा में 15 महीने का जो समय लगता है उसे कम करें। पिछले 5 सालों में आपने फी के रूप में जो पैसा लिया है उस राशि का आप हिसाब किताब दें, और सबसे महत्वपूर्ण कि शहरी और इंग्लिश माध्यम और ग्रामीण और गैर इंग्लिश माध्यम वाले छात्रों के अवसरों की आप जांच करें कि कितना किसको अवसर मिलता है, क्या नए पैटर्न के बाद और मौजूदा स्थिति में क्या भारत के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं जो गैर अंग्रेजी माध्यम अपनाते हैं उनके साथ तो नहीं अन्याय हो रहा है, या उनकी जो अवसर जो है उसमें कोई कमी तो नहीं हो रही है। तो देखिए रिपोर्ट जो है वो सौंपने को कहा गया है, संसद में पेश होगा, और हो सकता है कि जो छात्र इतने वर्षों से सड़कों पर धरना प्रदर्शन किए, विरोध किए, उनकी बातों को संसद के सामने रखा जाए और उनके साथ न्याय हो पाए। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।